नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। हर ढाणियों में होगा उजाला, पहुंचाई जाएगी मुफ्त बिजली। हरियाणा के एक गांव के बाहर बसी ढाणियों में अब मुफ्त बिजली या सौर ऊर्जा पहुंचाकर उन्हें रोशन किया जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को विधानसभा के मानसून सत्र में की। उन्होंने बताया कि अभी तक पूर्व की सरकारों द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार ढाणियों में बिजली लेने के लिए आधा खर्च उपभोक्ता को देना पड़ता था, जबकि आधा खर्च बिजली विभाग वहन करता है। नई घोषणा में मुख्यमंत्री ने बताया है कि लाल डोरे के अंदर 1 किलोमीटर तक के दायरे में या लाल डोरे से बाहर की 1 किलोमीटर तक की जो ढाणियाँ बसी हुई हैं आसपास में, उनको मुफ्त बिजली दी जाएगी और वहाँ पर बिजली लाइन पहुँचाई जाएगी। इसमें उपभोक्ता का कोई पैसा नहीं लगेगा। जबकि दूर दराज के क्षेत्रों में 1 किलोमीटर के दायरे में बसे 11 घरों को भी मुफ्त बिजली पहुंचाने की योजना विचाराधीन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन ढाणियों में ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं, ऐसे घरों को सौर ऊर्जा से ऐसे विकल्प से पूरा किया जाएगा, वहां पर ये सारी व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के अगले 6 महीनों में हर घर में रोशनी पहुँचाने का प्रयत्न है। वहीं इसके साथ साथ उन्होंने बिजली के बिलों को भी कम करने की घोषणा की है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। मुझे आज आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हरियाणा के इतिहास में आज तक बिजली के रेट कम बढ़े ज़्यादा बढ़े हमेशा बढ़ते चरण में ही रहे, लेकिन हम आज एक योजना बनाकर और एक घोषणा करते हुए बिजली के रेट को जो गरीब आदमी है उन गरीब आदमियों के लिए बिजली के कॉमन आदमी जो है सामान्य व्यक्ति चाहे वो शहर का है गांव का है किसान है गरीब है उन सब की जो खपत है उस खपत के बिजली के बिलों को बहुत कम कर रहे हैं, प्रायः आधा कर रहे हैं। कुछ योजनाएं तो पिछली सरकारों की बनी हुई है, वो तो केवल हम पढ़ के बता सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। उसमें एक नोटिफिकेशन में 11 घर लिखे हुए हैं, एक नोटिफिकेशन में 11 व्यक्ति लिखे हुए हैं। अब वो दोनों का क्या तालमेल था और क्या उसके अंदर निकालना चाहते थे मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उसमें भी बहुत लोग कम आते हैं। कारण क्या है कि दूरी बहुत होती है और दूरी का जो खर्चा होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए उस आधे खर्चे की भी कंडीशन उसमें साथ में है। तो आधा खर्चा डिपार्टमेंट देगा यानी यूटिलिटी कंपनी देगी और आधा खर्चा कंज्यूमर को देना होता है, इसलिए उसमें लंबी लाइनें होने के नाते से खर्चा ज़्यादा होता है तो आते नहीं लोग। ये घोषणा आज की है कि 1 किलोमीटर के अंदर लाल डोरा की सीमा से जो ढाणियां होंगी उनको अब बिना खर्च लिए और उनको कनेक्शन दिया जाएगा। विचाराधीन अभी एक विषय है, अभी कल ही चर्चा उसकी हुई है, डिपार्टमेंट योजना बनाएगा, लेकिन क्या चर्चा हुई है पूर्व में बता देता हूं अभी कि कहीं एक ढाणियों का क्लस्टर है तो दूर, लेकिन 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर यानी 11 कनेक्शन वाले अप्लाई करते हैं और वो दायरा 1 किलोमीटर के अंदर है तो वहां भी कनेक्शन फ्री पहुंचाया जाएगा। तो पिछली स्कीमें हैं वो कहीं बंद नहीं की हैं, वो तो पहले वाली है ही है, लेकिन उसके एडिशन हमारा उद्देश्य ये है कि हर घर में पावर पहुंचे, कनेक्शन पावर का, बिजली जले उसकी। तो एक तो जितना हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते वो ये है, अभी पिछली जो इससे ज्यादा कनेक्शन मानो किसी को चाहिए और कम घर हैं तो एक एक घर पर 2-2, 3-3 किलोमीटर पर अभी कनेक्शन देना संभव नहीं है, वो जो पिछली योजना है वो चलेंगी। साथ में हमने जो पैट का किया है कि जो एग्रीकल्चर कनेक्शंस हैं जहां एग्रीकल्चर कनेक्शन है अभी पैट में 3 घंटे उनको लाइट का ज्यादा वो मिलता है ताकि उनको सुबह शाम रात के समय जब जरूरत होती है 3 घंटे, और इस पर भी विचार कर रहे हैं कि इस 3 घंटे का समय बढ़ा दिया जाए ताकि जहां एग्रीकल्चर कनेक्शन है वहां भी ज्यादा समय तक परिवारों में लाइट मिले। इसके बाद जो घर फिर भी बच जाते हैं आइसोलेटेड है दूर है उनके लिए रिन्यूएबल एनर्जी यानी सौर ऊर्जा के माध्यम से और उनकी कोई सहायता करेंगे ताकि जितना सौर ऊर्जा में दिन में उनको लाइट मिलती है दिन में चलाएं और कुछ बिजली अपनी इन्वर्टर के माध्यम से स्टोर करके उसका रात्रि को उपयोग कर सके ताकि कोई ना कोई लाइट की व्यवस्था हरियाणा के हर घर में मिले। कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जहां लट्टू नहीं जलेगा। ये आने वाले इस 6 महीने के अंदर योजना बनाएंगे।